Axel! Arrivo, arrivo. क्या कर रहा है बेटा? सॉरी बाबूजी, पानी आप पे गिर गया। देख रही है सर, देख रही है। पानी गिर गया समस्या नहीं है बेटा। पानी आप पे गिर गया। बेटा पानी गिर गया ये समस्या नहीं है। एक्शन। सॉरी बाबूजी, पानी आप पे गिर गया। बेटा पानी मुझ पे गिर गया ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पानी गिरा क्यों? पानी गिरा क्यों? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, पानी तो गिरता ही है। झरनों से गिरता है, पहाड़ों से गिरता है, आसमान से गिरता है। हाँ बेटा, और पानी आदमी की आंख से भी गिरता है। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी, आपकी ट्रेन किस ट्रैक पे जा रही है? बेटा आपसे भी गिरता है बेटा, जिनको नहीं मिलता है। हाँ एक्चुअली मैं बोलने वाला था, इन्होंने क्यों दे दिया? अच्छा 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 हाँ जरा बॉडी, चलो वही लाइन ले लो। पैरों से गिरता है, पहाड़ सा सोच लीजिए। गिरा क्यों? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, पानी तो गिरता ही है। झरनों से गिरता है, पहाड़ों से गिरता है, आसमान से गिरता है, और आंख से भी गिरता है बेटा। जिस आदमी को पानी नहीं मिलता उसकी आंख से पानी गिरता है। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी, आपकी ट्रेन किस ट्रैक पे जा रही है? जिस ट्रैक से तेरी पटरी, तेरी गाड़ी, उस ट्रैक पर, जिस ट्रैक से उस ट्रैक पे बेटा, जिस ट्रैक से तेरी ट्रेन, उस ट्रैक पे बेटा, जिस ट्रैक से तेरी ट्रेन उतर रही है, उधर देख, देख अपनी प्लेट को, देख कितना खाना बर्बाद किया इन्होंने, कितना दूध बर्बाद किया है, और अब ये पानी बर्बाद कर रहा है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, जितना खाना था वो खा लिया, अब तो नहीं खाना वो कैसे खाता? तो बेटा जितना खाना था उतना ही खाना लेना चाहिए। कोयल एक पराठा और दे दो। चुईया ये पराठा मुझे दे दे। मयूरी दो गिलास दूध लाना, दो गिलास। अब क्या खाने पर भी पाबंदी लग जाएगी इस घर में? नहीं बेटा, खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, और खाने पर कोई पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए। हाँ लेकिन होटल खाने की बर्बादी पर तो पाबंदी लगना बनता है। कभी सोचा है तूने, ये जो खाना तूने बर्बाद किया है इसे किसी गरीब किसान ने रात दिन मेहनत करके उगाया होगा, और आज भगवान जाने उसके नसीब में इतना खाना है भी या नहीं जितना तूने प्लेट में बर्बाद कर दिया है। ये दूध ये किसी बच्चे का पेट भी भर सकता है, और ये पानी किसी प्यासे को जीवन दे सकता था। बाबूजी थोड़ी बहुत बर्बादी तो होती ही है। भैया थोड़ा थोड़ा करते करते ही बहुत हो जाता है। अब तू शुरू मत हो जाना। क्यों नहीं शुरू होगा बेटा? अपने हिस्से का नहीं वो उसके। सर वो राजपाल भी देता हूँ। कौन जाता है? वो मेरा था। बोलिए। ऐ बस अगले बाबू जी को जाने दो। आपने मेरे बच्चों के हिस्से का खाना बर्बाद किया। मेरे बच्चे क्या खाएंगे?
हाय अब मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, हाय मेरा क्या होगा, हाय अब मेरा क्या होगा। सर पर के अच्छी कल को हमारे भी बच्चे होंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे उनको जब पता चलेगा तो डरते डरते। हाँ 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 चलिए चलिए मालूम पड़ेगा जी, कल को हमारे भी बच्चे होंगे उनको आपके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे डरते डरते। क्या सोचेंगे आपके बारे में? अच्छा रोली एंड एक्शन। परिचित जी कल को हमारे भी बच्चे होंगे, जब उनको आपके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे डरते डरते। हम मयूरी सॉरी मयूरी नाती हाँ मयूरी अपने नाती पोतों के हिस्से का दूध बर्बाद होते नहीं देख सकती। सही है जी, क्यों आप आने वाले बच्चों की बद्दुआएं लेते हैं? आने वाले? अरे कौन से आने वाले बच्चे, क्या बोल रहे हो आप लोग? बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं। बात बड़ी सीधी है, आओ आओ। अपने हिस्से का दाना पानी लेके ये समझता है हमारा राशन का। खाली अभी आप लोग तो बाबूजी उसको देख रहे थे, मुझे रुक दीजिए। रोलिंग पूरा पहले थे ना रोल रोलिंग एंड एक्शन। बेटा हर आदमी अपने हिस्से का खाना पीना और हवा वापिस। एक्शन। बेटा हर आदमी अपने हिस्से की हवा और खाना पीना। भाई जन जाके बोल के आओ बेटा, और थोड़ा जोर से बोलेंगे ना तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक्शन। बेटा हर आदमी अपने हिस्से की हवा और खाना लिखवा के आता है, यूं समझ लो कि ऊपर वाला हमारे सबका राशन कार्ड प्रमाण भेजता है कि इसके कोटे में इतना खाना होगा, इतना पीना होगा, इतनी हवा होगी और इतनी ऑक्सीजन। कुछ लोग अपने कोटे को जल्दी से खत्म कर देते हैं, कुछ लोग अपने कोटे को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जो जल्दी खत्म कर देता है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, और जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने कोटे का इस्तेमाल करता है चलता रहता। लेकिन जो लोग दूसरे के हिस्से का खाना ऑक्सीजन और बिजली बर्बाद करते हैं, लेकिन जो लोग खाना बिजली और ऑक्सीजन बर्बाद करते हैं वो अपने नहीं किसी दूसरे के हिस्से का बर्बाद करते हैं। बाबूजी लेकिन बर्बाद हुआ कहाँ है, ये देखिए ना पानी कितना है, देखिए। हाँ बेटा बहुत पानी है। हाँ। लेकिन कल ये पानी इतना नहीं रहेगा, और कल किसका था? हमारे बच्चों के बच्चों का, उनके बच्चों के बच्चों का। बड़ा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, बहुत प्रेम करते हैं हम सब लोग अपने बच्चों से, उनके लिए कितना कुछ जोड़ के रखते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं ताकि कल को भविष्य में उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन खाने पीने हवा और पानी के बारे में ऑक्सीजन के बारे में बातें क्यों नहीं सोचते, बिजली के बारे में क्यों नहीं सोचते बेटा? इनको भी जोड़ के रखना चाहिए ना बेटा। हमारा कुत्ता तो तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुका है, और तू भी बहुत जल्दी अपने कोटे का इस्तेमाल करके निकल लेगा। हाँ हाँ क्योंकि तू बहुत जल्दी में रहता है ना बेटा। लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, आने वाली नस्लों का क्या होगा बेटा? सोचा है क्या? ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है बाबू? नहीं लेकिन तेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो फिर ये पाठ सिर्फ मुझे ही क्यों पढ़ाया जा रहा है, सबको पढ़ाइए बाबू जी। ये लाइन वापस ले एक्शन। तो फिर ये पाठ
सिर्फ मुझे ही क्यों पढ़ाया जा रहा है बाबूजी, सबको पढ़ाइए ना। वो भी करूंगा, ये बात तो मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत जल्दी, ताकि आने वाले साल में आने वाले सालों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। हाँ देखिए, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और मेरे हिसाब से हर बंदा इससे रिलेट करेगा। जाने अनजाने में हम पानी खाना ये सब वेस्ट करते हैं। हमें जितनी भूख होती है शायद हम उससे कई गुना ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं और उसे वेस्ट कर देते हैं। पानी बहुत वेस्ट करते हैं और ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगले 50 साल में शायद ये हो सकता है कि पीने का पानी आपको राशनिंग में मिले, हो सकता है आपको जो रिसोर्सेज है खाने के वो आपको इतने महंगे मिले कि हम रोज़ शायद दाल चावल अफोर्ड ना कर पाएँ। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस मुद्दे को लेके हम अभी एक सीन कर रहे थे जहाँ पे घोटक जो है वो बहुत सारा खाना ले लेता है और फिर उसे छोड़ देता है, वेस्ट कर देता है। तो बाबूजी हमें सीख दे रहे हैं कि बेटा ये बहुत गलत कर रहे हो क्योंकि हम अभी उसको वेस्ट कर देंगे, हो सकता है कि हम जब इस दुनिया से चले जाएं तब तक शायद ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि उन्हें पानी राशनिंग में मिलेगा और खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर जो होना है वो पानी को लेके हो, पानी के मुद्दे पे हो। तो ये बहुत गहरी समस्या है जिसे हम इस बार छूना चाह रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर ये कहानी चल रही है। रियल लाइफ की बात करें तो यही मुद्दा ज़्यादा चलता है, तो उससे कुछ ट्रैक हो रहा है कि नहीं होना चाहिए? नहीं समझा, नहीं आपका सवाल नहीं समझा। रियल लाइफ में भी पानी का मुद्दा हमेशा महाराष्ट्र के अंदर दुकाल पड़ता है। हाँ। तो ये आने वाले समय पे बहुत ज़रूरी है होगा। हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है, हमने कभी देखा नहीं कि बम्बई में इतनी सर्दी कभी हमने महसूस नहीं की। पिछले 4-5 सालों में टेम्परेचर डिप हो रहा है 11 डिग्री 12 डिग्री, ये बम्बई में कभी नहीं हुआ। मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ और मुझे पता है कि लास्ट पिछले 30-35 सालों में जितना मुझे याद है हमें दिसंबर एंड में कभी कभार होता था कि 20-21-22 डिग्री होती थी। 12 डिग्री 11 डिग्री अनहर्ड है, बम्बई में कभी नहीं हुआ। ये जो वातावरण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से वातावरण को लेकर हम अभी तक उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को ये बताएं कि प्लीज़ कृपा करके पानी वेस्ट ना करें, खाने पीने की चीज़ें वेस्ट ना करें, बिजली का वेस्टेज ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। और सर आने वाले टाइम पे छुट्टी फसा रहा तो किस तरह आप मनाने वाले, क्या है 31st? देखिए कोई भी जो फेस्टिवल होता है वो फैमिली का फेस्टिवल होता है, एक बहाना होता है कि फैमिली गेट टुगेदर हो, सब बाहर जाएं, साथ मिलके नाचे गाएं, खुशियां मनाएं। तो यही होने वाला है इस 31st को भी। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, साथ रहेंगे, खाना पीना होगा, मस्ती होगी, ऐश होगी, और क्या। जैसे कि देखा जाए जैसे कि देखा जाए कपिल शर्मा का शो 17 जनवरी को बंद हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, नहीं मुझे पता नहीं क्या मैं क्या बताऊँगा, जो शो आता है वो बंद भी होना, पता नहीं क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या बात करूँ मैं। अच्छा, तो आप अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी हम आपको ट्रैक चिड़ियाघर में आप देखेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इस बात को लेके कि हम हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, क्योंकि हम हमारे आने वाली जनरेशन को खतरे में डाल रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, चिड़ियाघर देखते रहिए इसके लिए, सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। थैंक यू।